जिला मंडी के पंडोक क्षेत्र में बीती 14 अगस्त को भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। पंडोक पंचायत को तांदी पंचायत से जोड़ने वाला पैदल चलने योग्य ऐतिहासिक पुल बारिश के कारण और पहाड़ी से मलबा आने से क्षतिग्रस्त हो गया है। तांदी पंचायत के गांव रफी के निवासी खोविंदर ठाकुर, भीष्म ठाकुर और मस्त राम ने बताया कि रोज की आवाजाही का यह पुल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इस पुल से लगभग 5 गाँव के लोग आते जाते हैं। इन सभी परिवारों के बच्चे स्कूल व कॉलेज इसी रास्ते से आते जाते हैं। यदि कोई बुजुर्ग या कोई बीमार हो जाता है तो इसी रास्ते से ले जाया जाता है। 14 अगस्त को यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ और अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से इसके सुध लेने नहीं आया है। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि समय रहते इस पुल की मुरम्मत कर इसे ठीक किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान न हो सके। नमस्कार, मैं गोविंद ठाकुर यहाँ का ग्राम पंचायत तांदी का स्थानीय निवासी हूँ और ये हमारा राफी पुल है। ये लगभग 15 से 20 गाँव के लोगों को जोड़ता है। यहाँ पर हमारा सदर के साथ पंडो अगर जाना है, स्कूल अगर बच्चों ने जाना है तो ये एक सिंगल आवाजाही का साधन था हमारे पास नांडी से लेकर यहाँ तक, जो कि लोग यहाँ से जो भी आना जाना बाजार के लिए होता है, स्कूल के लिए होता है, तो इसके टूटने से ना तो स्कूल के बच्चे इस पे जा पा रहे हैं ना तो बूढ़े बुजुर्ग इस पे आ पा रहे। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर आए, सर्वे करे, इसको रिपेयर करे या तो इसके स्थान पर नया पुल बनाए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। ये 14 अगस्त को टूटा हुआ है बाढ़ के आने के कारण और ये स्लाइड हुआ। यहाँ ऊपर एक फौजी साहब का घर है, उनके आंगन से गया हुआ तो उनके घर को भी खतरा बना हुआ है इस स्लाइड की वजह से। मेरा नाम भीष्म ठाकुर है, मैं ग्राम पंचायत तांदी तौराफी गांव से हूँ और यहाँ पे आपदा के कारण जो है भूस्खलन हुआ, पुल टूट चुका है पूरी तरह, जो पाइपलाइनें बिछी हुई है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पानी की एक हफ्ते से समस्या चल रही है। प्रशासन द्वारा यहाँ कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन यहाँ पे आए, देखे और जो पाइपलाइन यहाँ बिछी है इनको रिपेयर करे और जो पुल टूटा है ये भी रिपेयर करे। तो अभी आप पुल को किस तरह क्रॉस कर रहे हैं? पुल तो काफी टेढ़ा हो चुका है। बिल्कुल डर डर के, पकड़ पकड़ के। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा बच्चे को, तभी क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज क्रॉस नहीं हो पाएगा पुल। मैं होलदार मस्ता एक्स सर्विसमैन जो कि गांव सौड़ा पंडो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी, 14 तारीख को जो बाढ़ आई हुई है उससे बाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसके कारण ऊपर से भारी मात्रा में बारिश होने के कारण मेरे घर से घर के आगे से बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण मेरे घर को बहुत ज़्यादा खतरा है। अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमें देखने के लिए नहीं आया है। मेरे प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका मौका किया जाए और हमारा जो राफी पुल है जो कि बच्चों का आना जाना रहता है, स्कूल के बच्चे यहाँ से होके गुजरते हैं और जो हमारा पुल है वो बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। मेरा प्रशासन से गुजारिश है कि इसका पुल का भी जो भी निर्माण है जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद।